नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करता हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके बताएंगे कि मुंबई से कोलकाता तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। सबसे पहले आपको कह देता हूँ कि सस्ती फ्लाइट ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से एक बार चेक कर लीजिए। ऑफलाइन यानी कि आपके लोकल ट्रेवल एजेंट और ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि makemytrip.com, yatra.com, musafir.com एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुंबई से कोलकाता तक की रोड डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 1900 किलोमीटर है और एरियल डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 1650 किलोमीटर है। मुंबई से कोलकाता तक की डायरेक्ट फ्लाइट ड्यूरेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे है और अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हो तो मिनिमम 5.5 से 6 घंटे से शुरू होते हैं। तो जहां पर भी आप सस्ता मिले आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर कनेक्टिंग में ज्यादा सस्ती मिल रहा है तो आप कनेक्टिंग में जा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फ्लाइट में ही जाइए अगर सस्ती हो तो। तो चलिए अभी देख लेते हैं मुंबई से कोलकाता तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई से कोलकाता तक की डायरेक्ट फ्लाइट जो है सबसे सस्ती आकाशा एयर दे रहे हैं, जो दोपहर 12:05 को जाएंगे मुंबई से और कोलकाता 2:45 में पहुंचेंगे दोपहर को, 2 घंटे 40 मिनट लेंगे और इसका प्राइस तकरीबन 60,000 रुपया है। उसके बाद इंडिगो दे रहे हैं, इंडिगो सुबह को 10:15 पे जाएंगे और कोलकाता 12:30 पहुंचेंगे, 2 घंटे 20 मिनट लेंगे और इसका प्राइस 60,600 रुपए के बराबर है। उसके बाद और इंडिगो की फ्लाइट है, सेम प्राइस ही है, शाम को 5:30 जाएंगे और कोलकाता 8:00 पहुंचेंगे। उसके बाद इंडिगो फिर से सेम प्राइस ही है, 7,600, रात को 8:45 जाएंगे, कोलकाता पहुंचेंगे रात को 11:20 पे। और नेक्स्ट है सुबह को 3:00 जाएंगे एक मुंबई से और कोलकाता सुबह को 5:30 पहुंचेंगे 2.5 घंटे और इसकी प्राइस ज्यादा है, 7,900 रुपए के बराबर है। तो सबसे सस्ती जो है आप आकाशा एयर दे रहे हैं तकरीबन 7,000 में और इंडिगो एवरेज 7,600 रुपया में दे रहे हैं ये डायरेक्ट फ्लाइट जो है। और अभी एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्टिंग फ्लाइट की प्राइसेस कितना है। तो यहाँ पे मैं कनेक्टिंग फ्लाइट ऑप्शन चूज कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे सस्ती जो है इंडिगो दे रहे हैं 8,000 रुपया में, मुंबई से जाएंगे 11:20 में और लखनऊ में जाएंगे, लखनऊ में 3 घंटे 40 मिनट रुकेंगे और उसके बाद फिर से नेक्स्ट फ्लाइट कोलकाता 6:30 पहुंचेंगे, लेकिन प्राइस जो है 8,000 है। तो डायरेक्ट फ्लाइट आपको 7,000 में मिल रहे थे, कनेक्टिंग फ्लाइट 8,000 है, इसलिए कुछ भी फायदा नहीं है आपको ये प्राइस लेके जाने से। तो चलिए अभी बिजनेस क्लास में कितना प्राइस टिकट है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मुंबई से कोलकाता बिजनेस क्लास में आप देख सकते हो एयर इंडिया दे रहे है लेकिन प्राइस काफी ज्यादा है, 31,400 रुपए है। ये सुबह को 6:00 जाएंगे और पहुंचेंगे सुबह को तकरीबन 9:00 कोलकाता, 2 घंटे 55 मिनट लेंगे, लेकिन प्राइस जो है 31,400 रुपया है। और एक फ्लाइट है एयर इंडिया जो रात को 9:30 जाएंगे और रात को 12:30 पहुंचेंगे कोलकाता, इसकी प्राइस भी 31,400 रुपया ही है। तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक क्लास में आपको 7,000 रुपए में मिल रहा है लेकिन बिजनेस क्लास में आपको 4 गुना से ज्यादा यानी कि 31,500 रुपया में मिल रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट क्लास में कितना प्राइस टिकट होता है मुंबई से कोलकाता तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई से कोलकाता फर्स्ट क्लास टिकट नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक क्लास टिकट ही है और बिजनेस क्लास टिकट ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पता चला कि मुंबई से कोलकाता तक की फ्लाइट टिकट प्राइस कितना होता है। अभी भी कुछ भी क्वेश्चंस डाउट से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। फिलहाल आज यही भी खत्म करें वीडियो को, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बाय बाय।